हेलो स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल बायोजीन अगेन और जैसे हम अपने पुराने लेक्चर्स में कर रहे हैं इसी से हम ये कर ये भी लेक्चर इस तरह से ही करेंगे सो वी आर डूइंग ह्यूमन डिजीजेस एंड वी आर फॉलोइंग टोटल टोटल एनसीईआरटी नॉर्म्स सो यहाँ पे मैं एक बहा साइड पे आपको आर एन सी एक्सप्लेन करती हूँ साइड के साइड आपको वो उसको आपको लिख के समझाती हूँ सो दैट पैटर्न वी विल फॉलो अगेन और आज हम बात करेंगे फंगल डिजीजेज़ की और प्रोटोजोल डिजीज़ की सो so, वॉट अबाउट द फंगल डिजीजेस फंगल डिजीजेस यानी कि वो डिजीजेस जो कि फंजाई कॉज कर रही है सो इट्स वन ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीजेस नाउ मैनी फंजाई बिलोंग टू जेनरा माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटॉन्स एंड एपीडेमेटोफाइटॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंग वर्म विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीजेज इन मैन तो यहाँ पे बात कर रहा है कि मैनी जेनरा एक्चुअली क्या है वॉट आर द जो कि आपके एन बात कर रही है वन इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरम सेकेंड इज ट्राइकोफाइटॉन्स एंड थर्ड इज द एपी डरमेटो फाइटॉन्स जो ग्रुप ऑफ डिजीजेस बेसिकली ये कॉज करते हैं उनको एक और टर्म भी दी जाती है जिसको हम डर्मेटोफाइटोसिस भी कहते हैं तो एक्चुअली क्या है कि ये क्या कॉज कर रहे हैं ये सारे के सारे द क्लिनिकल सिम्टम्स द क्लिनिकल सिम्टम्स जो ये कॉज करते हैं उनको हम कहते हैं रिंगवर्म्स और वी कैन कॉल देम द टीनिया टीनिया सो क्लिनिकल सिम्टम्स में हम कह रहे हैं कि क्या हो जाए द रिंग वर्म हो रहे हैं और आपके पास टीनिया है सो माइंड यू दिस टीनिया इज़ नॉट ये वाला टीनिया जो हम टेप वर्म के लिए यूज़ करते थे ये टीनिया जो है वो आपका फंगल इन्फेक्शन के लिए यूज़ होता है सो यू मस्ट बी वेरी वेरी क्लियर टी आई एन ई ए और वो होता है टी ए ई एन आई सो जो मैं यहाँ पे बात करूँगी माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटॉन एपीडर्मेटोफाइटॉन्स तो हम इसको ऐसे लर्न कैसे करेंगे सो वी आर गोइंग टू लर्न लाइक दिस कि ट्राइकोफाइटॉन का मतलब हो गया तीन यानी किसको किसको इन्फेक्ट कर रहा है स्किन नेल्स एंड हेयर और जो आपके एपीडरमेटोफाइटॉन्स हैं मैंने इसको ऐसे लर्न किया था जब मैंने लर्न किया था तो एपीडर्मल डेरिवेटिव्स तो एपीडर्मल डेरिवेटिव्स मैंने इसको स्किन और नेल करके याद कर लिया था एंड थर्ड क्या बचा सो दैट इज स्किन एंड हेयर ये हैं जी जो मेनली अफेक्ट कर रहे हैं माइक्रोस्पोरम्स वो स्किन और हेयर स्किन हेयर नेल्स तीनों को और एपिडर्मेटोफाइटॉन्स स्किन एंड नेल्स को क्या करते हैं अफेक्ट करते हैं नाउ मैंने कहा कि भी एक जो वैरायटी ऑफ क्लिनिकल कंडीशंस आई शुड से क्लिनिकल कंडीशंस मैंने यहाँ सिम्टम्स वर्ड लिखा है इट शुड बी कंडीशन क्लिनिकल कंडीशंस सो so, जो हम सिम्टम्स की बात करेंगे आर द तो सिम्टम्स और क्लिनिकल सिम्टम्स वी से वी सी तो सिम्टम्स के अंदर अपेयरेंस ऑफ ड्राई स्केली स्किन है इची स्किन है इंटेंस इचिंग होती है और ख़ासकर रिंग होम इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे लाल लाल रंग के या ऐसे लेजन बन जाती है जो इस तरह से गुलाई में बनती है ऑलमोस्ट सो वो क्या बता रहा है अपेरेंस ऑफ ड्राई स्केली लेजेंस ऑन वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी सच एस स्किन नेल्स एंड स्कैल्प स्कैल्प तो तीन मेन एरियाज अफेक्ट हो रहे हैं आर द मेन सिम्टम्स ऑफ द डिजीज द लेजेंस आर एक बाय इंटेंस इचिंग हीट एंड मॉइस्चर हेल्प दीज फंजाई टू ग्रो सो अपेयरेंस ऑफ ड्राई स्केली स्किन है इचिंग है नाउ अब क्या है आर द कंडीशन फॉर फंगल ग्रोथ तो यहां पे कंडीशंस में बात करेंगे कि भी सबसे पहले आप ये देखिए जो हॉट एंड ह्यूमिड वेदर होता है यानी ऐसा वेदर जिसमें आपका पसीना ही सूख रहा जैसे कि बारिशों में बहुत ज्यादा हीट होती है और ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा है तो उस दौरान खास कर ये आपके ये देखिए जो आपके ये फिंगर की बीच में जो एरियाज़ होते हैं और जो एरियाज़ आपके बॉडी फोल्ड्स वाले एरियाज़ हैं वहाँ पर मॉइस्चर जो है वो आपका प्रॉपर डेवलप हो जाता है और आप जो है इवेपोरेशन प्रॉपर नहीं हो पाती जिसकी वजह से वहाँ पर इन्फेक्शन्स हो जाती हैं सो कंडीशंस क्या है हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस ह्यूमिड कंडीशंस help the fungi to grow to grow then which makes them thrive in skin folds as those in groin or between toes help the fungi to grow such as condition fungi grow especially in the folds of the skin in your skin folds फोल्ड्स में जैसे कि हम बात कर सकते हैं टो तो, बिटवीन टोस हो सकता है और इन ग्रोइन रीजन हो सकता है अब ग्रोइन रीजन क्या होता है ग्रोइन रीजन होता है जहां आपकी बॉडी के साथ आपकी लेग्स जुड़ती हैं उसको हम ग्रोइन रीजन कहते हैं नाउ रेंगो हम्स आ जेनली एक्वायर फ्रॉम सॉइल अब आपका मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है कि ट्रांसमिशन किस तरह से है सो so, हम ट्रांसमिशन की बात कर लेते हैं यहाँ पर ट्रांसमिशन की बात करें मोड ऑफ इंफैक्शन की बात करें सो मोड ऑफ इंफेक्शन और ट्रांसमिशन इज डायरेक्ट भी है और आपका इनडायरेक्ट भी हो जाता है अब डायरेक्ट आ गया फ्रॉम सॉइल बारिश के दौरान में आप देखिए कीचड़ में अक्सर छोटे बच्चे घूमते हैं या ये कह लीजिए कीचड़ जो है वो अक्सर कपड़ों में लग जाता है तो एक तो हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन दूसरा सॉइल की में जो है वो फंजाई आपको एक मतलब आपकी बॉडी में एक्वायर हो गई इनडायरेक्ट कंडीशन क्या हो गया जैसे आपने किसी का टॉवल यूज़ कर लिया आपने किसी की कॉम्ब यूज़ कर ली सो दीज आर द इनडायरेक्ट कंडीशन सो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फ्रॉम सॉइल और बाई यूजिंग टॉवल्स क्लोथ इन द कॉम्स ऑफ इन्फेक्टेड पीपल आई मीन इंडिविजुअल्स सो आप यूज ऑफ टॉ यूज ऑफ इन्फेक्टेड चावल्स हो सकते हैं क्लोथ्स हो सकते हैं एंड इवन कॉम्स वगैरह भी हो सकती हैं तो मतलब ये आप अगर ध्यान से देखिए तो ये वाला मोड मैंने आपको पीछे भी डिस्कस किया था इसको फोमाइट बॉन कहते हैं पता आई कैन से दिस इज़ अ काइंड ऑफ फोमाइट बॉन फोमाइट बॉन अगर आपको फिर याद हो तो दैट इज इन्फेक्टेड आर्टिकल्स तो दिस इज फोमाइट बॉन भी है और डायरेक्ट मोड ऑफ इन्फेक्शन भी क्या है तो फिर भी इलाज क्या है सो so, वो ट्रीटमेंट क्या है ट्रीटमेंट के नाम पे एंटी फंगल ड्रग्स हो सकती हैं एंटी फंगल ड्रग्स हो सकती हैं एंड क्रीम्स हो सकती हैं इसके अलावा यू नीड टू कीप द एरिया ड्राई ताकि उसमें मॉइस्चर डेवलप ना हो सो दिज आर काइंड ऑफ प्रिवेंटिव कंडीशन वेर एज जो हम यूज़ ऑफ ड्रग्स और क्रीम्स की बात करते हैं ये थेरेपेटिक कंडीशन I mean, है आई मीन थेरापेटिक है यानी ट्रीटमेंट है सो दिस इज़ ट्रीटमेंट एंड इफ यू कीप द एरिया ड्राई और मॉइस्ट उसका जो है उसमें ह्यूमिडिटी में उतना नहीं रहने देते उसको सो दैट इज़ वॉट यू कैन प्रिवेंटिव मेजर प्रोफेलेक्टिक मेजर्स सो ये इस पूरे चैप्टर में हम ये दो बातें ज़रूर करेंगे कि वॉट आर द प्रोफैलेक्सिस एंड वॉट इज द थेरेपेटिक्स सो so, प्रोफाइलेक्स होता है जहाँ बचाव हो जैसे आपने वैक्सीन करवाई वैक्सीनेशन जो है वो प्रोफाइलेक्सेज है और अगर आप ड्रग ले रहे हो दवाई खा रहे हो तो वो थेरापेटिक है ट्रीटमेंट है और जो हम टेस्ट वगैरह करवाते हैं जैसे हमने डिस्कस किया विडाल टेस्ट फॉर टाइफोड सो दैट इज़ अ डायग्नोस्टिक्स सो डायग्नोस्टिक्स थेरापैटिक्स एंड प्रोफाइलैक्टिक्स तो ये तीन टर्म्स यू नीड टू टेकन केयर ऑफ नाउ फिर बात करते हैं मेंटेनेंस एंड पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल ऑफ मैनी इन्फेक्शस डिजीजेस कोर्स ये आपका प्रोफाइल मेजर हो गया तो ये हम थोड़ा सा बाद में बात करेंगे इसके बारे में सो नाउ वी आर गोइंग टू डू द नेक्स्ट आपकी जो डिजीजेज हैं दैट इज़ द प्रोटोजोअल डिजीजेज सो नाउ आई विल टॉक अबाउट द प्रोटोजोअल डिजीज सो प्रोटोजोअल डिजीज में हमारे पास मेनली जो डिजीज़ है विच हैज अटैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन दैट इज मलेरिया लेकिन साथ में वन मोर डिज़ीज विच वी कॉल्ड अमीबिक डायसेंट्री दैट इज ऑल्सो प्रोटोजोअल डिजीज़ एंड इट्स क्वाइट कॉमन जो इन्फेक्टेड फूड वगैरह से हो जाती है सो कमिंग बैक टू हेयर फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टाक अबाउट द मलेरिया सो पहली डिजीज आई विल टॉक अबाउट द मलेरिया इट इज बाय यानी इसका कॉजिटिव एजेंट जो है दैट इज प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम ये एक प्रोटोजोअल पैरासाइट है नाउ दे आर फोर डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम वन इज प्लाज्मोडियम वाइवेक्स सेकेंड इज प्लाज्मोडियम मलेराइ थर्ड इज प्लाज्मोडियम ओवेल एंड फोर्थ एंड मोस्ट डेंजरस जिसको माना जाता है दैट इज प्लाज्मोडियम फेल्सी पैरम तो दैट इज प्लाज्मोडियम फेल्सी पैरम की बात हो रही है यहाँ पे अब देखिए अगर हम यहाँ बात करें प्लाज्मोडियम पैरम की तो प्लाज्मोडियम पैरम से ही शुरू कर लेते हैं ये जो प्लाज्मोडियम पैरम है दिस कॉज इज द मेलिग्नेंट मलेरिया इससे जो होने वाला मलेरिया है उसको हम मेलिग्नेंट मलेरिया भी कहते हैं इसको हम सेब्रल मलेरिया भी कहते हैं ये एफपी के नाम से बहुत मशहूर है एफपी सो so, दिस इज फिलसीपैरम की बात हो रही है जो वाइबिक्स है दिस बेसिकली कॉज इज दिनाइन बिनाइन मलेरिया और आई कैन से बिनाइन टर्शियन मलेरिया दिस इज दिस काज प्लाज्मोडियम ओवेल इट काजेज माइल्ड टर्शियन मलेरिया अब आप ये सोचोगे मैम ऐसे ऐसे क्यों लिख रही हैं कभी इधर लिखती हैं कभी उधर लिखती हैं सो so, इसका रीजन है ये जो मैंने पहले तीन लिखे हैं आप ये देखिए इसमें एक वर्ड आया टर्शियन टर्शियन इसका जो फीवर है वो एवरी थर्ड डे आता है और प्लाज्मोडियम जो मलेराई है दिस काज द क्वार्टन मलेरिया इसका जो फीवर आता है वो ऑलमोस्ट आपका थर्ड डे के बाद एवरी फोर्थ डे आ रहा है सो दट इज वाई लेट्स हैव अ ग्लांस ओवर हियर तो जब हम बात कर रहे हैं देखिए लेट्स एक अ द लाइफ साइकिल ऑफ लाजमोडियम उससे पहले सम ऑफ द ह्यूमन डिजीज आर कॉज बाय प्रोटोसोवन You must have heard about malaria disease. The man has been battling since a long. तो ये वही बात हो गई कि भी लड़ाई चल रही है अब तक हमारी। A tiny protozoan is responsible for this this disease. Different species of Plasmodium, vivax, malariae or falciparum। यहाँ तीन बात हुई है मैंने आपको चार की बात करी है। And responsible for various types of malaria. I have mentioned what are the different types of malaria. तो हम एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं एनसीईआरटी के साथ थोड़ा सा इधर थोड़ा सा उधर एज पर क्वेश्चन इससे से पूछे हुए हैं ऑफ़ दिस मेलिग्नेट मलेरिया कॉज बाय प्लाजमोडियम फैलसीपैरम इज अ मोस्ट सीरियस वन एंड कैन बी फेटल तो इसका भी जो बुखार है वो ऑलमोस्ट आपका थर्ड डे के बाद आता है यानी कि जो मल्टीप्लीकेशन है वो आज इधर फोर्टी एट आवर्स की होगी यानी फोर्टी एट आवर्स मतलब दो दिन के बाद तीसरे दिन या सेवेंटी टू आवर्स यानी तीन दिन के बाद चौथे दिन वो क्वार्टन हो गया सो लेट्स टेक अ ग्लांस तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि इसके जो सिम्टम्स हैं फीवर इसमें जो रिलैप्स ऑफ फीवर हो रहा है यानी इसके जो पैरॉक्सिम्स वर्ड यूज करते हैं पैरॉक्सिम्स और आप कह सकते हो जो बाउट्स ऑफ फीवर जो हो रहे हैं वो आफ्टर एवरी थर्ड टू थर्ड और फोर्थ डे सो दिस हैव आई ऑलरेडी एक्सप्लेन कौन थर्ड और कौन फोर्थ और कई बार ये भी हो जाता है जरूरी नहीं है कि भी इसी तरह से पैटर्न फॉलो होगा समटाइम्स देर आर मिक्स इन्फेक्शन आपको दो तीन स्पीशीज की या दो स्पीशीज की इंफेक्शन होगी तो आपके पास फिर पैटर्न वो नहीं रह जाता सो so, ये हम बात करें जनरल पैटर्न की सो लेट्स ऑफ ए ग्लान्स सो ग्लांस में क्या है जी आपके पास द प्लाज्मोडियम एंटर द ह्यूमन बॉडी एस पोरोजॉयड इन्फेक्शन फॉर्म थ्रू द बाइट ऑफ फीमेल मॉस्किटो

नाउ अब क्या हुआ अब पैरासाइट जो इसने डाला बॉडी में वो आपके पास क्या हो गया एंट्री ऑफ स्पोरोजॉइट सो एंट्री ऑफ स्पोरोजॉइट इन द लिवर सेल तो पहला क्वेश्चन जो यहां पे एक बार पूछा गया है इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम कौन सी है तो इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम आपकी स्पोरोजॉइट है ह्यूमन के लिए बिकॉज ह्यूमन में वो इस फॉर्म में एंटर कर रहा है तो ये हो गया आपका लिवर के अंदर वो एंटर कर गया। ये आपकी हो गई इन्फेक्शियस फॉर्म फॉर द ह्यूमन नाउ अब ये क्या होगा इसकी मल्टीप्लीकेशन हुई मल्टीप्लीकेशन इन लिवर सेल होगी अब जब मल्टीप्लीकेशन इन लिवर सेल हुई दिस मल्टीप्लीकेशन इज कॉल्ड एज शाइजोगनी इसको शाइजोगनी कहते हैं दैट इज एसेक्चुअल मल्टीप्लिकेशन सो दिस इज योर शाइजोग ना उसके बाद क्या हुआ लिवर सेल बर्स्ट एंड रिलीज ऑफ मीरोजॉयट्स एक्चुअली एक फॉर्म है इसको मीरोजॉयट्स बोलते हैं रिलीज ऑफ पैरासाइट और मीरोजॉयट्स अब ये मीरोजॉयट कहाँ गए एंटर आरबीसी अब ये भी है ये जो मीरोजॉइट सीरीज हुए हैं दे विल, फर्स्ट जो आपका लिवर सेल में गया दैट स्टेज जो एंट्री करिए उसके लिए वर्ड यूज कर रहे हैं स्पोरोजॉइड अब जो रिलीज हो रहा है मीरोजॉयड अब ये मीरोजॉइड क्या करेंगे ये मीरोजॉयड अगेन एंटर इन तो टू द लिवर और दे ऑल्सो एंटर द आरबीसी So, ये आपके रेपिटेटिव साइकिल एंटर एंड रिपीट द साइकिल इधर क्या हुआ आरबीसी के अंदर आ गया आरबीसी के अंदर फिर उसकी मल्टीप्लीकेशन हुई यानी कि उसकी शाइजोग हुई इसको बोलते हैं अरिथ्रोसिटिक शाइजोग बिकॉज ये कहां पे हो रही है अरिथ्रोसाइट और आरबीसी में हो रही है अब आरबीसी बर्स्ट हो गई

चिल्स और फीवर आ रहे हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर चिल्स ठंड लग रही है एंड फीवर रिगर्स कम कपी जो छूट रही है दैट इज फीवर तो आपके पास वो कहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है उधर लीवर में चली जा रहा है इधर वो आरबीसी में आ गया और आपको बुखार कब फील हुआ जब आर फटेंगे और उसमें से टॉक्सिन हीमोजोइन निकलेगी एनदर क्वेश्चन ओवर हेयर कि व्हाट कॉज द अटैक ऑफ मलेरिया अटैक ऑफ मलेरिया एक्चुअली तब हुआ जब बंदे को फीवर आया और उसके पीछे कौन सा टॉक्सिन और कौन सा पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल था हीमोजोइन और यह बना क्या एक्चुअली आपका जो पैरासाइट है वो आपके आर बी सी पर फीड करता है और रपच्चर्ड आर बी सी सॉरी आर बी सी के अंदर हीमोग्लोबिन पर फीड करता है तो ये हीमोगलोबिन का ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है सो so, योर हीमोजोइन ये बेसिकली क्या है इट्स अ ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ द दिस इज द ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ हीमोगलोबिन तो हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है अब आगे क्या हो गया जी अब ये मीरोजॉयट जो हुए नाउ ऑफकोर्स मेरो पिगमेंट रिलीज इन ब्लड रिलीज ऑफ मीरोजोइट इन ब्लड अब यहाँ से क्या होना है जो आपका मॉस्किटो है अब यहाँ से मॉस्किटो का साइकिल शुरू होगा नौ जो मॉस्किटो है उसने आप पे फीड किया और वो आपकी जब ब्लड अपने अंदर लेके गया तो उसकी गट में बहुत सारी डिफरेंट स्टेजेस जो होती हैं वो पहुंच गई बिकॉज़ पैरासाइट की खाली एक स्टेज नहीं है पैरासाइट सा डिफरेंट स्टेज बट हम यहाँ पे एनसीआरटी के अकॉर्डिंग फॉलो कर रहे हैं तो मैं आपको उसके साथ डिस्कस नहीं कर रही इफ यू वॉन्टेड रियली वांटेड टू नो कि व्हाट आर द वेरियस स्टेजेस या बीच में क्या है तो आप मेरे फीडबैक बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आप में से पूछ सकते हैं एंड आई विल आंसर ऑल्सो तो यहाँ पे आपके पास मीरोजॉयट रिलीज हुए नॉ ब्लड फीड सम ऑफ मीरोजॉइट सम मीरोजॉइट चेंज इन गैमेटोसाइट्स इन ब्लड सेल्स और इन आरबीसी तो ये वर्थ मेंशनिंग है अब क्या हुआ जो ब्लड फीड थी ब्लड फीड ले गया फीड मॉस्किटो और अब ये गैमेटोसाइट और बाकी स्टेजेस उसके अंदर चले गई जितनी भी स्टेजेस उसने ली आरबीसी के अंदर वो सारी मर जाती हैं खाली एक जो है वो गेमेटोसाइट अंदर रहते हैं So, अब ये जो गैमेटोसाइट्स हैं ये गैमेटोसाइट्स में टू टाइप ऑफ गैमेटोसाइट्स मेल एक थोड़ा छोटा और एक आपका फीमेल गैमेटोसाइट्स तो अब क्या हुई फर्टिलाइजेशन हुई फर्टिलाइजेशन से बन गया जायगॉट और ये होती है उसकी गट में मॉस्किटो की मिडगट में जिसको स्टमक भी बोलते हैं एक्चुअली मॉस्किटो के अंदर स्टमक नहीं होता तो उसको मिडगट ही कहा जाता है तो ये हो गया आपका फर्टिलाइजेशन हुई सारेकॉट अब अब उसकी वहाँ पे अनदर मल्टीप्लीकेशन हुई ये देखिए अनदर मल्टीप्लीकेशन हो रही है सो लेट मी कमिंग बैक टू दिस क्योंकि आपको एक बार साथ साथ यहां पर लेके चलते हैं सो so, हमने साइकिल शुरू किया आपका बाइट वन द मॉस्किटो बाइट द अनदर ह्यूमन तो बात कर रहे हैं ह्यूमन से स्पोरोजॉयट एंटर हो गया पैरासाइट लिवर में चला गया लिवर में मल्टीप्लीकेशन यानी कि शाइजॉग नहीं हुई लिवर सेल बर्स्ट हो गए वो आर बी सी में आ गया अब आर बी सी में भी शाइजॉग नहीं चल रही उधर से लिवर में भी चल रही है आर बी सी में बर्स्ट हुई और आपके मीरोजॉय रीज हुए और फिर उन्होंने नए आर बी सी को इन्फेक्ट कर दिया नए आरबीसी को इन्फेक्ट कर दिया कुछ ब्लड के बीच में रह गए कुछ आर में चले गए एंड सम ऑफ द मीरोजॉयट्स दे लिटरली वो थोड़े से छोटे हो जाते हैं जिनको हम गेमेटोसाइट्स कहते हैं और उनमें भी फर्दर दो टाइप्स हैं एक थोड़े छोटे ज़्यादा हैं और एक नॉर्मल वाले हैं तो वो जो नॉर्मल वाले हैं वो हो गया फीमेल वाला और जो ज़्यादा छोटा हो गया वो हो गया मेल वाला तो ये देखिए लीजिए गेमेटोसाइट ब्लड फीड के साथ चले गए मॉस्किटो में फर्टिलाइजेशन हुई यहाँ तक हम कर सक कर चुके हैं और अब क्या हुआ एंड फर्टिलाइजेशन एंड डवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द गट ओनली फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट और उसके बाद रिलीज ऑफ रिलीज ऑफ इन्फेक्टिव स्टेजेस यानी कि बात कर रहे हैं स्पोरोजॉइट्स की ही स्टेजेस कहाँ पे इन द बॉडी कैविटी द बॉडी कैविटी ऑफ द मॉस्किटो बट माइंड यू वन थिंग ये यहां पर एनसीआरटी बॉडी कैविटी वाला पॉइंट नहीं लिख रही है यहां से बॉडी कैविटी के बाद वो जाते हैं सो डेवलपमेंट हुई उसके बाद क्या हुआ रिलीज ऑफ इन्फेक्टिव स्टेज इन दॉडी कैविटी ऑफ द मॉस्किटो इनफेक्टिव स्टेजेस मैनी माइग्रेट माइग्रेशन इंटू सेलाइवरी ग्लैंड और फिर उसने क्या किया सेवरी ग्लैंड में हुई और फिर ये हमारा साइकिल दोबारा से यहाँ पे कंप्लीट हो गया सॉरी यहाँ पे जाकर कंप्लीट हो गया दोबारा से आपकी जो थी बाइट हुई और आपका पैरासाइट वापस एंटर कर गया तो आप ये देखिए ये वाला जो पार्ट है ये वाला पार्ट दिस पार्ट यहां से लेकर ये वाला पार्ट दिस पार्ट इस मॉस्किटो तो ये वाला पार्ट जो है वो आपका मॉस्किटो में चल रहा है तो ये पार्ट आपका मॉस्किटो में आ गया और ये वाला पार्ट जो था एंट्री से लेकर यहां तक यहां तक ये यह आपका ह्यूमन में आ गया तो इस हिसाब से हम समअप कर रहे हैं कि यहां पे इसके पास दो होस्ट हैं इसका जो प्राइमरी होस्ट है वो है इसका मॉस्किटो दैट इज फीमेल मॉस्किटो जो कि एनोफुलीज है एंड इसका सेकेंडरी होस्ट जो है वो इसका मैन है अब ये प्राइमरी और सेकेंडरी होस्ट का क्या कॉन्सेप्ट है जो आपका प्राइमरी होस्ट होता है दैट कैरी द सेक्शुअल फेज और स्टेजेस और दिस इज़ कैरिंग द ए सेक्शुअल फेजेस तो कहीं भी जहाँ पे आपको सेकेंडरी होस्ट और प्राइमरी होस्ट का कॉन्सेप्ट आएगा उसमें बेसिकली उसको उसकी डेवलपमेंटल स्टेजेस के हिसाब से उसको सेग्रीगेट किया जाता है और असाइन किया जाता है सो दिस इज़ सो वॉट इज अ ट्रीटमेंट इसके लिए क्या है हमारे पास ट्रीटमेंट में दस अ ड्रग कॉल्ड एज कन दिस इज अपटेन फ्रॉम बाक ऑफ सिम कोना और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी बायोमोलिक्यूल्स में हमारे पास एक बात आती है कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, हैं? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि कुन जो है वो क्या चीज़ है ये एक सेकेंड्री मेटाबोलाइट है सो देट्स ऑलविद दिस एक यहाँ पे छोटा सा और बात कर देती हूँ यहाँ पे हमारे पास वन मोर डिजीज इज देयर एंटमीबा हिस्टोलिटिका से होने वाली अमीबिक डायसेंट्री नॉट टेकिंग मच टाइम ऑफ इट तो यहाँ पे हम छोटा सा बात कर लेंगे दिस इज कॉल्ड इसका जो पॉजिटिव एजेंट है दिस इज एंट अमीबा हिस्टोलिटिका ये जो पैरासाइट है इट थ्राइव्स इन अपर पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन तो इसका जो लोकेशन है ये कहां पे रहता है इट लिव्स इन अपर पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन ओके जी आ जाइए यहां पर एंटेमी बाईस्टोटिलीका इज अ प्रोटोजोन पैरासाइट इट लिव्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस बिकॉज ऑफ दिस शिफ्टिंग ऑफ द आरबीसी शिफ्टिंग ऑफ दिस N C R T papers again and again. So, over here. Okay. So, this causes the amoebic dysentery. I think so dysentery I Dysentery ka Dysentery what is the difference between diarrhea? Loose motion is called diarrhea. Loose stool along with mucus and blood is called as a dysentery. And symptoms of this disease include constipation, abdominal pain, cramps, stool, excess mucus and blood clot. Because where is it feeding? It is feeding on the feeds on lining of large intestine and housefly fly act as a mechanical carriers to तो iske carriers kon hai housefly fly jo hai ye iska mechanical carrier hai मैंने क्यों word यहाँ mechanical carrier use किया है मैंने word vector क्यों नहीं use कर रहा क्योंकि जब मक्खी जो है जब वो फूड पे बैठती है कौन से फूड पे फूड एंड वाटर इन्फेक्टेड विद ह्यूमन एक्सक्रीटा तो उसकी टांगों उसके के पंखों के ऊपर लगता है उसकी बॉडी के अंदर नहीं मल्टीप्लाई हो रहा सो एंड सर्व टू ट्रांसमिट द पैरासाइट फ्रॉम फीसिस ऑफ इंफेक्टेड पर्सन टू फूड एंड वाटर इट इज फूड एंड वाटर तो यहां पे बेसिकली ये एक तरह का किस तरह का डिजीज हुआ आपका एक ऐसा डिजीज है जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं वहीकल बॉन यानी फूड एंड वाटर एजेंट्स आर देयर सो इसको बार बार छेड़ते नहीं हैं तो यहीं पे इसको ख़त्म कर लेते हैं क्योंकि बार बार ये फिर हिल जाती है एंड इन्फेक्टेड पर्सन और हम बात कर रहे हैं फीकल मैटर फूड कंटेमिनेट बाय ह्यूमन फीकल मैटर इज़ द मेन सोर्स तो जस्ट सम अप विद दिस सिम्टम्स की बात कर रहे हैं सिम्टम्स आर एबडोमिनल क्रैम्प पड़ गए भी बंदे को पेट में होगी दर्द साथ में उसको डायसेंट्री हो रही है डायसेंट्री में उसको लूज स्टूल तो आ ही रहा है प्लस साथ में म्यूकस भी हो सकता है और प्लस ब्लड क्लॉट्स भी हो सकते हैं एंड साथ में कॉन्स्टिपेशन अब यहाँ पूछोगी मैम ये एक तरह से लूज मोशन और कॉन्स्टिपेशन एक्चुअली मोशन लूज हो गया उसके बाद एकदम से रुक जाता है इट फील्स लाइक कॉन्स्टिपेशन पर्सन ट्राइज बट इट इज नॉट एबल फिर वो पेट में बहुत तेज दर्द होती है और फिर उसके बाद फिर स्टूल हुआ फिर कॉन्स्टिपेटेड फीलिंग हुई सो so इस तरह से इंटरमीडियंट से फेस आते हैं कॉन्स्टिपेशन एक्सेट्रा तो सोर्स क्या है जी इसका कंटेमिनेटेड फूड सोर्स ऑफ इंफेक्शन कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर किससे

तो तीन एरियाज़ को मेन इफेक्ट कर रही है स्किन को हेयर यानी कि स्कैल्प वाले एरिया को और आपके नेल्स को तो कौन कौन से जनरा किस पर्टिकुलर एरिया को इफेक्ट कर रहे हैं उस हिसाब से हम यहाँ बात कर रहे थे थैंक यू वेरी मच एंड आई एम ओपन फॉर योर फीडबैक दैट्स ऑल तो शेयर लाइक एंड डू सब्सक्राइब थैंक यू वेरी मच एंड इफ़ यू हैव एनी आई मीन योर डाउट्स यू कैन आस्क इन आस्क इन माई कमेंट बॉक्स थैंक यू वेरी मच